नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर अपनी जनता के समक्ष हम हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं जनता अपने सुझाव हमें ज़रूर देगी। हम गर्व करते हैं, हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, हम अपने देश भारत के नागरिक हैं और गर्व है इस ध्वज पर, राष्ट्रीय ध्वज पर, यानी कि हमारा जो तिरंगा है इस पर। और ये वो तिरंगा है, ना जाने कितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, कितने वीर जवान शहीद हुए हैं इस तिरंगे की खातिर। ये तिरंगा हर देशवासी का है, ये तिरंगा हर एक देशभक्त का है। ये तिरंगा इस तिरंगे के लिए, इस तिरंगे की आन बान शान के लिए हर देशवासी जो हिंदुस्तान में रहता है मर मिटने को तैयार है। वाकई कहते हैं गर्व है हमें कि हम हिंदुस्तानी हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण इशू लेकर, एक मुद्दा लेकर अपनी जनता के समक्ष हाजिर हुए हैं। फिर से कहेंगे, कहीं ना कहीं उसके तार हमारे इस तिरंगे से, जो हमारी आन बान शान है। देखिए, अब हवा में लहरा रहे हैं, हवा से तिरंगा आगे पीछे हो सकता, कहीं लिपट भी सकता है। पर हम जब आए, हमने क्या किया, हमने इसको आराम से, बड़ी आदर संपूर्ण से इसको सीधा किया। ये है हमारा कर्तव्य। ना कि हम अगर आते यहाँ पर आकर, अगर देखते ये कहीं झाड़ी में फंसा है या ऐसे थोड़ा सा अलग दिशा में है, तो हम आकर ये कहें कि देखिए अपमान हो रहा है हमारे तिरंगे का। अरे जनाब, जो भी गुजर रहा है, जो भी देशवासी जम्मू कश्मीर के नागरिक गुजर रहे हैं, सबसे पहला कर्तव्य बनता है हमें इस तिरंगे को मान सम्मान से इसको सही करना, इसको ठीक तरह से करना। ये है हर देशभक्ति का, देशभक्त का, देशवासी का कर्तव्य। कहीं भी हम जाते हैं, क्योंकि बार बार हम शुरू से कहा हमने कि आज एक ज़रूरी जानकारी के लिए अपनी जनता के समक्ष हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं आप ज़रूर अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या जो आज हम मुद्दा लेकर अपनी जनता के समक्ष आए ये सही है या गलत है। क्योंकि हम देशवासी अपने देश के तिरंगे पर, अपने देश पर मर मिटने के लिए तैयार है, क्योंकि देश सर्वोप्रिय है। ये तिरंगा झंडा जो हर देशवासी की, हमारे देश की आन बान शान है, उसके लिए हर कोई मिटने को तैयार है। ये तिरंगा किसी एक पार्टी का नहीं, ये तिरंगा किसी एक व्यक्ति का नहीं, ये तिरंगा किसी एक धर्म विशेषज्ञ का नहीं, ये तिरंगा हर एक उस व्यक्ति का है जो भारत देश का नागरिक है। और हम गर्व करते हैं, हम इस देश के वासी हैं। भारत देश हमारा महान देश है, कोई दो राय नहीं है। यहाँ ही नहीं बल्कि बाहर के देशों विदेशों में भी चर्चे होते हैं हमारे देश के, हमारे भारत देश के। और आप जरूर समझ चुके होंगे कि इस तिरंगे का क्या महत्व है हम लोगों के लिए। और खुशकिस्मत है वो लोग जिनका आखिरी सफ़र, जिनका आखिरी सफ़र इस तिरंगे में लिपट कर होता है। ये देखिए, हम चूमते हैं इस तिरंगे को, हम सैल्यूट करते हैं इस तिरंगे को। ये है हमारा पहचान, ये है हमारा तिरंगा। ना जाने कितनी कुर्बानियों के बाद इस देश को आज़ादी मिली, और ये तिरंगा हमारी आन बान शान है। और इस आन बान शान को मत डिफेम कीजिए, यही बार बार कहेंगे, दिल से कहते हैं सल्यूट है हम करते हैं इस तिरंगे को, अपने देश को। आज बड़े ही भावुक शब्दों के साथ अपनी जनता के समक्ष आए हैं। फिर से कहेंगे, ये तिरंगा यूं नहीं मिला हमें, बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है। हम इस देश में हैं, हमें देश में यही सिखाया गया, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश ने ये सिखाया मर मिटने का जज्बा देश के लिए। क्रांति वीरों ने जन्म लिया, किन क्रांति वीरों ने अपनी कुर्बानियाँ दी। आज इस तिरंगे का कभी थोड़ा सा भी अपमान दिल को छू जाता है, दिल को तकलीफ देता है। आज वो उनकी आत्माएँ, जो पाक आत्माएँ, जो आज इस दुनिया में नहीं पर लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं वो अमर हैं, वो लोग, वो हमारे नौजवान शहीद जवान आज भी इस तिरंगे के लिए, इस देश के लिए मर मिट रहे हैं अपनी जानों को हथेली पर लेकर। तो क्यों कर्तव्य नहीं बनता हमारा, क्यों हम उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं। दुश्मन फिराग में है, दुश्मन ताक में है, कहाँ छोटी सी चूक हो हमारे देश को बदनाम किया जाए। तो हर देशवासी का कर्तव्य बनता है, जब भी देखिए नज़र दौड़ाई, हम कैमरामैन से कहेंगे, पूरे चौराहे पर ये आपको तिरंगे मिलेंगे। अगर कहीं तिरंगा हवा से, आंधी आ रही, मौसम है,
कभी ऐसा दिखता भी है आपको तो उसको हाईलाइट मत कीजिए, उसको मत, क्योंकि भारत फिर से कहेंगे दुश्मन ताक में है। कब हमारे देश को बदनाम किया जाए, कब इस तिरंगे के माध्यम से देश में बदनामी फैलाई जाए, तो कतई ऐसा नहीं करना। हमारा जो सबसे पहला कर्तव्य बनता है, चाहे कोई भी हो इस समय जो भी हमें देख रहे हैं, उनसे निवेदन करते हैं हाथ जोड़कर कि देश सबसे पहले है, बाद में सब, बाद में पार्टियां, बाद में धर्म, पर देश, देश से वफादारी का धर्म सबसे ऊंचा है। तो जब कभी भी आप कहीं गुजरते हैं, कभी दिन त्यौहार के दिन गुजरते हैं, अगर तिरंगे को कहीं नीचे पड़ा देखते हैं, बड़े मान सम्मान के साथ या तो अपने साथ अपने घर ले जाइए या किसी जगह बाइज्जत इसको लगा दीजिए, तब मानेंगे कि वाकई सच्ची देशभक्ति है, तब मानेंगे वाकई देश से प्यार है। ना कि अगर कहीं आपने तिरंगे को थोड़ा सा भी कहीं किसी के साथ उलझा हुआ देखा या कहीं ऐसे किसी गलत दिशा में देखा, तो हम उठाकर ये कहें कि देखिए हमारे तिरंगे का किस तरह से अपमान हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं। कर्तव्य ये बनता हर एक जम्मू कश्मीर वासी का, हर एक देशवासी का, किसी भी जगह हो तिरंगा, किसी पार्टी ऑफिस में हो, किसी दफ्तर के ऊपर हो, किसी के घर में हो, या कहीं हम चौराहों पे जा रहे हों, ये हमारी ड्यूटी बनती है। ना कि हम उस चीज़ को उछाल कर, ना कि उस चीज़ को टारगेट कर लोगों को, दुश्मन को खास करके मौका दें, दुश्मन देश को मौका दें कि वो हम पर उंगलियां उठाए, उनको एक मौका मिल जाए हमारी कमज़ोरी, इसी शान को लेकर वो हमारी कमज़ोरी बना बैठे कि अपने ही देश के लोग, अपने ही जम्मू कश्मीर के लोग इस तिरंगे का अपमान किस तरह से पूरे देश में बता रहे, पूरी सोशल मीडिया पर बता रहे हैं। क्या आपको इस बात से आप सहमत हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए कि सबसे पहले तिरंगे के लिए वीडियो बनाकर अपलोड कर सोशल मीडिया पर डालनी चाहिए और अपने तर्क देने चाहिए, या ये कहें कि ड्यूटी बनती है रुक कर वहाँ पर तिरंगे को पहले सल्यूट किया जाए, उसके बाद तिरंगे को ठीक किया जाए, ठीक करके सल्यूट करके अपना कर्तव्य निभा कर वहाँ से जाया जाए, कहीं ना कहीं मन में सुकून मिलेगा। पर जब हम अपने ही तिरंगे को लेकर लोगों तक गलत मैसेज देंगे, ये कहेंगे देखिए अपमान तिरंगे का होगा, तो दुश्मन देश कहाँ मान सम्मान करेगा। जब हम अपने ही चीज़ों को लेकर दुश्मन देश तक पहुँचाएंगे, दुश्मनों तक पहुँचाएंगे, उनके चेहरों पर, उनके सीने में तो ठंडक पहुँचेगी ना। ये चीज़ें छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है, ज़रूरत है इसे समझने की। जो लोग इस तिरंगे की आन शान, इसका महत्व समझते हैं, इतना विश्वास करते हैं कि ज़रूर वो ऐसा ही करते होंगे, जब भी कहीं हम गुजरते होंगे, जब भी किसी नुक्कड़ पर, किसी चौराहे पर, किसी दफ्तर के सामने गुजरते होंगे, जब भी हम ऐसा कर देखते होंगे, तो हमारा कर्तव्य ये बनता है उस दफ्तर के या तो अथॉरिटी के साथ उनको कहा जाए कि प्लीज़ इस तिरंगे को ठीक किया जाए, या ये कहा जाए, या खुद ही जाकर उस तिरंगे को, उसको सही जगह पर ठीक से लगाया जाए। ये है हमारा कर्तव्य। तकलीफ़ होती इन चीज़ों से, ज़रूर होती है, क्योंकि सच्चा देशभक्त वही है जो इस तिरंगे की आन बान शान को बरकरार रखे। फिर से कहेंगे देश सबसे पहले, देश तिरंगे की, इस तिरंगे की आन बान शान सबसे पहले। ये किसी एक पार्टी का तिरंगा नहीं, ये किसी एक व्यक्ति का तिरंगा नहीं, ये किसी एक धर्म का तिरंगा नहीं, ये तिरंगा हर एक उस व्यक्ति का है जो इस देश का वासी है, जो भारत देश में रहता है, जो भारत देश का नागरिक है, जो जम्मू कश्मीर का नागरिक है। तो क्यों ना हम इस तिरंगे को आज एक वायदा करें कि जहाँ कहीं भी ऐसा कुछ देखे, बड़े ही मान सम्मान के साथ अपनी सच्ची देशभक्ति का सबूत दें, अपना कर्तव्य निभाएं। अगर आज ये वीडियो जो भी लोग इस समय देख रहे हैं, आज ये प्रण कर लें कि आज के बाद ऐसा ही होगा, तो कहीं नहीं लगता कि आज के बाद कभी आपको सुनने को मिलेगा कि कहीं तिरंगे का अपमान हुआ है, क्योंकि ये तिरंगा हमारी आन बान शान है। और हम सैल्यूट करते हैं फिर से इस तिरंगे को, दैनिक शिव टाइम की पूरी टीम, बल्कि पूरे देशवासी इस तिरंगे को सैल्यूट करते हैं, क्योंकि इस तिरंगे के पीछे सैकड़ों हजारों कुर्बानियां, लाखों कुर्बानियां छुपी हुई हैं, और जिनकी बिना पर ये तिरंगा हमें नसीब हुआ। और सबसे बड़ी बात, खुशकिस्मत हैं वो लोग, फिर से कहेंगे, वो पार्थिव शरीर जो इस तिरंगे में लिपट कर अपनी आखिरी यात्रा को जाता है। हम भी यही उम्मीद करते हैं, हमारे मन में भी कभी आता है कि सच्ची देशभक्ति, देश के लिए एक रत्ती भर भी हमें कुर्बानी देने का मौका मिले, तो हम भी चाहते हैं इस तिरंगे में लिपट कर अपना आखिरी सफर अंजाम दें। अपनी सुझाव
ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण इशू था। कहीं ना कहीं मन किया अपनी जनता के साथ ये चीज़ें साझा करें, क्योंकि जनता का फैसला सर माथे पर, जनता भी हमारे लिए सर्वप्रिय है, क्यों जनता ही है जो हमें प्रोत्साहन देती है और अपना काम अच्छे से करने की हम हिम्मत जुटा पाते हैं। तो जनता क्या कहती है आज के इस वीडियो के बारे में, सबसे अपने सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये उन लोगों तक ज़रूर पहुँचे वीडियो जो ये सोचते हैं कि अगर किसी ने लगाया है, अगर थोड़ा सा उलझ भी गया तो वही करेगा। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं, एक देश के नागरिक हैं, तो कर्तव्य आपका भी बनता है। बच्चे बच्चे का कर्तव्य बनता है, बूढ़े बुजुर्ग का कर्तव्य बनता है इस तिरंगे की आन बान शान की कद्र करना। दर्शकों, ये था अभी तक का अपडेट। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।